दोस्तों जो भी लोग बिग बॉस के घर में जाते हैं उनके बीच में या तो मोहब्बत हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा। ऐसे ही कुछ देखने को मिला था बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के बीच में। अगर आपको बिग बॉस 13 का सीजन याद हो तो बिग बॉस में इन दोनों की जर्नी दोस्ती के रिश्ते से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच की ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस खत्म होने के बाद भी दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हैं? ऐसा सुनने में आया था कि बाहरी दुनिया में आने के बाद सिद्धार्थ और आसिम के रिश्ते अच्छे हो गए हैं, लेकिन हम आपको अंदर की खबर बता रहे हैं कि दोनों के बीच में रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिग बॉस खत्म होने के बाद कभी भी दोनों को साथ में स्पॉट नहीं किया गया। और अभी जो रिसेंट खबरें आ रही हैं, आसिम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आसिम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उनके बारे में कुछ ऐसा कह दिया है कि उनके फैंस को भी बहुत ज्यादा धक्का लग सकता है, क्योंकि आसिम और सिद्धार्थ की दोस्ती को लेकर फैंस भी बहुत ज्यादा खुश रहते थे। इन दोनों के बॉन्ड को देखकर उन्हें लगता था कि दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह ही एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, लेकिन बिग बॉस जैसे जैसे आगे बढ़ा दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। फिलहाल आसिम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपनी दोस्ती को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। इसके साथ ही आसिम रियाज ने ये साफ कर दिया है कि एक टाइम पर वो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन चीजें वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी और दोनों की दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई है। इसके साथ ही आसिम रियाज ने ये भी कह दिया है कि शायद ही मैं कभी सिद्धार्थ शुक्ला से फ्यूचर में मिलना पसंद करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आसिम रियाज का ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि सिद्धार्थ शुक्ला की शक्ल वो दोबारा से नहीं देखना चाहते हैं और इन दोनों के बीच में वो रिश्ता पहले जैसा नहीं हो पाएगा जैसा कि उनका बिग बॉस की शुरुआत में था। यानी कि ये कि आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आसिम रियाज बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं सिद्धार्थ शुक्ला से। आसिम रियाज और सिद्धार्थ की इस खबर पर क्या है आपका कुछ कहना, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आसिम रियाज ने जिस तरीके से सिद्धार्थ के साथ फ्यूचर में काम करने या बात करने से मना कर दिया है, क्या उनका डिसीजन ये ठीक है।